नमस्कार, आप सभी का वीडियो टीवी भारत में स्वागत है। पाकिस्तान की जेल में बंद अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहे आतंकवादियों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को गिलमित बाल्टिस्तान से जोड़ने वाली प्रमुख सड़क को घेरा। इस सड़क की घेराबंदी कर आतंकियों ने एक वरिष्ठ मंत्री और कई पर्यटकों का अपहरण कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ मंत्री और कई पर्यटकों का अपहरण कर लिया गया। आतंकियों ने इनकी रिहाई की मांग की है। जो इनके लोग हैं, उन्होंने नंगा पर्वत क्षेत्र में विदेशियों की भीषण हत्या की थी। वो डायमेर में अन्य आतंकवादी घटनाओं में भी शामिल थे। आतंकियों ने अपहरण के बाद एक वीडियो क्लिप जारी की, जिसमें वरिष्ठ मंत्री अबेदुल्ला को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि वह इस्लामाबाद से गिलमित जा रहे थे, तभी आतंकवादियों ने अपने सहयोगियों को जेल से रिहा करने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए सड़क को जाम कर दिया और उनका अपहरण कर लिया। वीडियो क्लिप में वित्त, उद्योग, वाणिज्य और श्रम मंत्रालय के प्रभारी मंत्री को देखा जा सकता है। उन्हें ये कहते हुए दिखाया गया है कि इस्लामाबाद से गिलगित जाते समय उनका अपहरण किया गया है। उन्होंने मांग रखी है कि प्रांत में महिला खेल गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएं और इस्लामी कानून लागू करें। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उग्रवादियों की मांगें पूरी हुई हैं या नहीं। इस खबर से जुड़े अपडेट के लिए वीडियो टीवी भारत से जुड़े रहे। नमस्कार।